तो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी, होप करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज मैं आ गया हूं आपके लिए एक और ड्रैग रेस लेके, जिसका यार बहुत टाइम से मेरे को वेट था। मेरे को जब से पता चला था हैरियर अपने पास, हिमांशु भाई के पास ट्यून है, तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को भी सफारी के साथ ट्यून हैरियर की रेस करनी, ड्रैग रेस करनी चाहिए, क्योंकि भाई दोनों सेम इंजन है, सेम पावर स्पेक्स हैं, बस हल्का सा वेट का फ़र्क है। और ये 7 सीटर, ये 5 सीटर है, सेम ही गाड़ी है। बाकी तो कुछ पता नहीं है, अपनी हो रखी है भाई। ऑटोसाइक कोड सिक्स का मैप डला हुआ है, ट्यून हो रखी है फर्स्ट स्टेज, और भाई की हो रखी है ई ट्यूनर से। तो अपनी के जो पावर स्पेक्स हैं वो है 184 bhp और 430 Nm ऑफ टॉर्क। और इधर हैरियर की बात करें तो उसमें आता है 195 bhp और 450 Nm का टॉर्क। ये भाई ऑटोमेटिक है, अपनी मैनुअल है। हाँ, ई ट्यूनर्स मोटर स्पोर्ट। अब बाकी अतिशय भाई बताएंगे आपको क्या लग रहा है, कौन सी जीतेगी। कोड सिक्स से अलग प्यार है और सफारी पे अलग भरोसा है, भरोसा है ना। तो मेरे को ये है, आपको क्या लग रहा है हिमांशु भाई। दोनों यार सेम ही है, अगर स्टॉक में देखोगे तो दोनों सेम भागते हैं और ट्यून्ड हो गए हैं, तो मुझे लगता है इसमें पावर ज्यादा बजा रहे हैं। वेट भी 200 कम है, पर हॉर्स पावर ज्यादा है, पर भाई वैसे दोनों को देखा जाए तो सेम ही है, सेम ही भाई। वो तो हम वजन बढ़ा लेंगे ना, वजन की कोई दिक्कत ना, ऐसे ही हो जाओगा। बॉक्सर भाई आपको क्या लग रहा है हैरियर। तो भाई रेस करके पता चलेगा कि रोड पे है क्या, बाकी तो ऑन पेपर तो कुछ भी कह सकेंगे, रोड पे पता चलेगा किस में जान। भाई अपनी सफारी में आ गए हैं, मैंने रख रखा है स्पोर्ट्स मोड, रखूंगा भाई एसी ऑफ। अतिशय भाई हैं बीशम में, और आगे एक क्लिप हम ले लेंगे अतिशय भाई से। और दूसरी तरफ है भाई हिमांशु, बॉक्सर भाई और देवित भाई है, और तुषार भाई अपने कराएंगे 3 count। ठीक है, 3, 2, 1। चलो ये इधर क्यों दबाता आ गया। बहुत फर्क आ गया अरे, तो नहीं अपनी लॉन्च ने होना एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड भाई साहब। अच्छा उसका वेट भी कम है, पावर भी ज्यादा है, दोनों ही चीज हो गई ना। वेट का एडवांटेज हो रहा है, हम तीनों देखो हैवी हैं। अब की बारी एसी भी चालू रहा है। फिर तो सही गया पे यार, एसी के हिसाब से तो भाई अब मैं आ गया हूँ इधर, मतलब भाई आ गए। हाँ अगर अभी जीतेगी ना तो नेक्स्ट राउंड में एसी ऑन कर लेंगे, ठीक है। अरे ना उसमें वेट ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा। कोई ना, अब हम हो गए हैं भाई 4। हमने वेट बढ़ा लिया भाई गाड़ी का, तो अब करते हैं एक मिनट रुको। तो गाइस राउंड 3 कर रहे हैं, 3, 2, 1। भाई इस बार दोनों बराबर उठी है, बराबर चल रही है, वेट डिफरेंस आ गया भाई, वेट डिफरेंस। अरे इधर मत ही लाओ, तुम झुला दो डरा दो यार, टेंशन ना लो यार, वेट डिफरेंस की वजह से सफारी आगे जाते हुए थोड़ा सा भाई लेफ्ट में काट लो, दोनों बराबर चल रहे हैं,200 किलो तो वैसे हो गया, पीछे 70 किलो का बूफर रखा है एक आदमी, तो वैसे ही बिठा रखा, 3 तो उसमें अब भी बैठे हैं। पर अच्छा कॉम्पिटिशन सर। हाँ जी बराबर था भाई, नेक टू नेक चल रही थी बिल्कुल, 140 पे जा रही थी वैसे, वरना यूं थी क्या, बिल्कुल पीछे वाले गेट पे ही थे यार, ये ज्यादा गैप नहीं था। एक सिंगल करेंगे। हाँ वेट डिफरेंस भी आ गया ना, वेट डिफरेंस भी बहुत आ गया। हाँ सेम करते हैं, एक और स्पेक्स के साथ फिर लास्ट 1v1 करेंगे, ठीक है भाई। इस बार क्या दिक्कत है,
कर रहे हैं भाई राउंड स्टार्ट। तो भाई फोर्थ राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, 3 2 1 परफेक्ट लॉन्चिंग। और आगे थोड़ी सी आगे निकल गई हूँ भाई, भाई ने तो बढ़िया लॉन्च कर दी भाई, भाई हमारी थोड़ी सी रहेगी इस बार पीछे, अब नहीं कवर कर पाएंगे, अब हैरियर भाई रह गई पीछे, हैरियर बहुत पीछे रह गई अब तो, और 140 पे जा चुकी है, 130-140 पे भाई ब्रेक ले लो, 150 पार कर रही होगी वो, 160 चढ़ गई भाई। इसमें ना टाटा की कोई सी भी हो, नेक्सॉन हो, बस खाली लॉन्च का खेल है, लॉन्च हुई और हुई फिर उसके बाद तो निकलती चली जा मैं, क्योंकि मिड बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। टाटा जीत रहा भाई, टाटा 1v1 तो वीडियो वो भाई बनाएंगे, वीडियो तो बनावा ना वीडियो। दो कर लो, आप रेडी? चलो 3 2 1 जीत गई भाई, सब नाल, अरे जीत गई सफारी, जीत गई 1। चलो 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 भाई, अब जाएगी कितने पे जाएगी पर वो 100 क्रॉस हो चुकी है भाई, ट्रैक की विनर ही बन जाएगी, 120 बिल्कुल टक्कर, कोई नहीं, चलो चलो 130-140 भाई पर आ गई है सफारी, देखो हल्की तो, अब वो आ रही है 150 पे भाई, विनर सफारी है, ले लो ब्रेक ले लो, एक फिर कर लेंगे जाते, हाँ जाते समय फिर कर लेंगे, इसमें लॉन्च नहीं हुआ, हाँ पर मैं कहूँ बम्पर सफारी का ही आगे, वैसे टाई है पर बम्पर फिर भी सफारी का आगे, और इसमें वेट भी ज्यादा, वेट भी तो ज्यादा है, हाँ देखो वैसे टाई था, बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन था, पर सिर्फ सफारी का बम्पर आ गया था साला, वो भी हाँ 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 हाँ, एक काम करते हैं एसी ऑन कर लो, हम भी एसी ऑन, या सेम करो यहाँ, ये भैया कह रहे लॉन्च वहाँ पे ना ज्यादा हो गई, मतलब हुई नहीं लॉन्च, ही नहीं हुई, धक्का मार के रहेगी, ठीक है सेम राउंड 3 2 1 मैं करा रहा हूँ, हाँ चलो रेडी 3 धीरे रखो थोड़ा 3 2 1 भाई यहाँ पे हुई ना लॉन्च, और लॉन्च भी पीछे, भाई 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 क्या हुआ है, जीत जाती पर थर्ड गियर मिसमैच हो गया था, वही आओ चलो ऊपर से ऊपर कर लो, रेडी आप, ठीक है 3 2 1 लैग मारा यार, अब फिर टाई रहेगा, फिर रोक लेते हैं, हम गलती करी, लॉन्च पहले वाले में, इससे पहले वाले में बहुत बढ़िया हुआ था, जाने भी नहीं दूंगा भाई, जाने, अरे 140 में अब की बारी हमने क्रॉस कर लिया, ले लो ब्रेक ले लो भाई, मैं कह रहा हूँ एक और हो जाएगा तो जीत जाएंगे भाई, इतना इक्वली मैच दे रहा भाई की खुशी तो अपनी भी नहीं हो रही, 2000 रुपए उठा रहा हूँ मैं हर बार, हाँ ना उस सॉफ्ट लिमिट है, हाँ 2000 उसमें भी सॉफ्ट लिमिट है, 2000 रुपए करे खड़ी तब जाती है इतनी, वरना लगा ले खड़ी करो, बनाए एंडी बनाओगे ना, एंडी बनाओगे अब तो, हाँ आपको एंडी भाई, क्या थी पर भाई टक्कर बहुत जबरदस्त, मजा आ गया, लॉन्च नहीं हुई वैसे स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग में ना बैठ के भीषम भाई चलाते ना तो पहले के हमारे 2 राउंड में बराबर ही जाते, बराबर जाते हैरियर आगे नहीं निकलती, मैं इसीलिए कह रहा था ना कि स्टॉक में भी इनकी पावर सेम है और ट्यून होने के बाद भी सेम ही रहेगी, भाई उसमें वेट ज्यादा है, और मैं बैठा था ना तो और ज्यादा वेट हो रहा था, लॉन्च उसी स्पीड में हो रही थी, इज्जत बचाने कह रहे थे कि भाई लॉन्च ना हो रही, उसमें वेट ज्यादा हो रहा था भाई, यार देख भाई उन्होंने 450-350-400 किलो 450 तो ऊपर हो रहा था इसमें भाई, आपने देख लिया टाटा सफारी और टाटा हैरियर, ट्यून वर्सेस ट्यून की सारी ड्रैग रेस, स्टार्टिंग में भाई अपना वेट कुछ ज्यादा हो रहा, 450-400 किलो तो हमारा ही वेट हो गया था, इस वजह से अपनी 102 में रह गया, और मैंने लॉन्च भी करना इतना ना आ रहा था, और बाद में जैसे ही भाई हेड टू हेड भी करी, बराबर वेट रख के भी कर लिया, हर चीज़ में कर लिया, हालांकि अपनी में 200 किलो ज़्यादा है सफारी में, पावर स्पेक्स इसके ज़्यादा है, लेकिन भाई अपनी बहुत
अरे फिर भी भाई, फिर भी आदमी भी हैवी था और ड्राइवर भी हैवी है भाई अपना। तो हेयर द न्यूज फ्रॉम सेंटर, टाटा सफारी ने, टाटा हैरियर ट्यून, टाटा सफारी इंडिया फर्स्ट ट्यून, टाटा सफारी ने टाटा हैरियर को ड्रैग रेस में हरा दिया है अच्छे खासे डिफरेंस से। पहले जब अपनी दो राउंड में पीछे रही है उसमें मेरे से लॉन्च नहीं हुआ था, फिर भी इतना गैप नहीं बना था जितना कि बाद में सफारी ने हैरियर के भी, सफारी आगे निकल कर गैप बनाया है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई चैनल सब्सक्राइब करना है दिस वन अदर व्लॉग्स। टाटा लव भाई, टाटा लव। कमेंट करके बताओ आपको कौन सी गाड़ी, इनमें से कौन सी गाड़ी पसंद है, टाटा हैरियर या टाटा सफारी। बाय बाय। और ऑटो साइक पे जाके ट्यून करा लो भाई गाड़ी, मज़ा आ जाए।